जो है हमारी हड्डियों का नगर है, हड्डियों का शहर है, ये हड्डियों का शहर बनाया गया है और इसके सभी ओर मांस और रक्त का लेपन चढ़ाया गया है। इसके ऊपर मांस और रक्त का लेपन चढ़ाया गया है। यत्र जरा च मुच्यु च मानो मक्खो च होवे। इसमें क्या मौजूद है? जरा यानी विकृति छुपी हुई है, मृत्यु छुपी हुई है, अभिमान छुपा हुआ है और डाह छुपी हुई है। जरा च मुच्चू च मानो मक्खो, मान का मतलब है अभिमान, अहंकार, मक्खो डाह, द्वेष का ये बच्चा है जो छुपा हुआ है। कहा ये भंग एक रूपानंद नाम की जनपद कल्याणी थी, भगवान बुद्ध की शिष्या हुई, बहुत ही रूपमती थी, बहुत ही सुंदर थी। उसकी माता भिक्खुनी बन गई, उसके भाई भिक्खु बन गए, पति भी प्रव्रजित होके भिक्खु बन गया। अब वो बेचारी अकेली क्या करती? वो स्वयं भी भिक्षुणियों के संपर्क में आके उसने भी चीवर ले लिया, वो भी भिक्खुनी बन गई। लेकिन सुंदर बहुत थी, वो भिक्खुनी बनकर के भी, चीवरधारी बनकर के भी कभी भी भगवान बुद्ध के सामने नहीं गई, कभी भी भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए नहीं जाती, क्योंकि उसने सुन रखा था भगवान की सुंदरता को। अभी सब बताते हैं, एक तरह से उसे अनित्य बताते हैं, दुखमय बताते हैं, अनात्म बताते हैं, कलेशों का घर बताते हैं। इसलिए वो जो है भगवान बुद्ध के पास नहीं जाती थी और जाना भी नहीं चाहती थी। उसके मन में हर समय एक भय बना रहता था कहीं भगवान मेरा मुझे देख करके, मेरा रूप देख करके कहीं मेरी निंदा न करने लगे, कहीं मेरे रूप की निंदा न करने लगे। लेकिन होता क्या है, बहुत उसे समझाया गया, आप अपने जीवन में बहुत सारे साथियों के साथ रहते हो, संघ के संपर्क में आए हो, कई बार आपको भी बहुत साथियों को समझाना पड़ जाता है, एक बार तो आइए, कम से कम एक बार तो देखिए संघ को आके, कैसा संघ है कैसा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जाके कहीं कोई एक आध व्यक्ति निकलता है। इतनी आसानी से कोई इस रास्ते पर नहीं आता। तो वही हालत तो उस रूपनंदा थेरी के साथ थी, भिक्खुणी थी, और हर कोई चाहता है कि मैं अपने गुरु के दर्शन करूं, अपने गुरु के मुखारविंद से कुछ शब्द सुनूं, हर व्यक्ति चाहता है ये, जो भी गुरु धारण करता है, जो भी किसी की शरण में जाता है, उस शरण जिसकी शरण में जाता है उसे सुनने के लिए वो बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ कोशिश करता है। परंतु यहाँ कुछ और ही था। तो एक बार भगवान बुद्ध जेतवन में विहार कर रहे थे, भिक्षु और साथी भिक्षुणियां थी, उन्होंने बहुत समझाया उसको, रूपनंदा थेरी को बहुत प्रयास किया और उसको अपने साथ लेकर के जेतवन में भगवान बुद्ध के सामने ले गए।
भगवान बुद्ध के सामने बैठी जा करके। भगवान बुद्ध उसको देखते ही समझ गए, उसकी शंका को समझ गए, उसके अंदर जो वितर्क चल रहा था उसको समझ गए। और भगवान बुद्ध ने उसको समझ करके अपने रिद्धि बल से एक ऐसी तरुणी पैदा की जो सिर्फ बुद्ध देख पा रहे थे या फिर वो रूप नंदा थेरी देख पा रही थी, और तीसरा व्यक्ति कोई उसको नहीं देखता था। यानी उसको ऐसी बांध दिया रूप नंदा थेरी की नजर को कि वो देख रही है और बुद्ध देख रहे हैं, जो कुछ बुद्ध कहना चाहते हैं वो बुद्ध देख रही है अच्छी तरह से बैठी बैठी। तो वो तरुणी जो है बेहद खूबसूरत, रूप नंदा उसके सामने कुछ भी नहीं, और वो भगवान बुद्ध का पंखा चल रही है पीछे खड़ी खड़ी। धीरे धीरे भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा है बैठे हुए, वो तरुणी धीरे धीरे प्रौढ़ होती है, प्रौढ़ होने के बाद जरा हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, और धीरे धीरे वो पंखा धीरे धीरे नीचे आता चला जाता है, वहीं गिर जाती है, कुछ नहीं बचता उसका, हड्डियां बचती हैं, थोड़ी देर बाद वो हड्डियां भी गायब हो जाती। उधर रूप नंदा थेरी की तंद्रा टूटती है, ये क्या हुआ? और इससे होता क्या है कि जो संदेश भगवान बुद्ध उस थेरी को देना चाहते थे वो उस थेरी को मिल गया, और जो उसके मन के अंदर आसक्ति थी रूप की, अपने जो सुंदरता की जो आसक्ति थी, उससे उसका मोह भंग हो गया और उसको विराग उत्पन्न हो। उसने जो तरुणी थी उसका शरीर जैसे जैसे बदल रहा था, उसी तरह से वो अपने शरीर में रूप नंदा थेरी जो है अपने शरीर में बदलाव महसूस कर रही थी, और वो जो है अपने शरीर को समझ गई कि ये शरीर मेरा अनित्य है, रहने वाला नहीं, जैसा मैं सोच रही हूं वैसा रहने वाला नहीं है, अनात्म है और ये दुखी जड़ है। और जब इस प्रकार का चित्त भगवान बुद्ध ने समझ लिया, उसका चित्त जो है भगवान बुद्ध ने देख लिया कि अब इसका चित्त जो है बदल गया, अब ये जो है बदल गई, तब भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा था कि अट्ठी नंग नगरं कतं मन सलोहित लेप नंग यत्थ जरा चमुच्चू च मानो मक्खो च ओहितो। तो भगवान बुद्ध यहां पर समझा रहे थे कि ये शरीर जो हड्डियों का नगर है, हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का शहर है, इस पर मांस और लहू का लेपन किया हुआ है, और इसमें क्या रह रहे हैं, इसमें जरा है, वृद्धावस्था है, बीमारी है इसके अंदर, मरण धर्मी है, मृत्यु है इसके अंदर, और इसके अंदर अभिमान छुपा हुआ है और दाह छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या कहा है, कैसे निकलेगा ये? तो आज का विषय क्या है? काया कायान सती, यानी काया की स्मृति रखना, और वही चीज यहां बताई गई है, क्या हम इसको देख पा रहे हैं, हमारे शरीर की प्रति क्षण जो है क्षरण हो रहा है, ये अवसान की तरफ बढ़ रहा है, क्या हम देख पा रहे हैं? तो कहा गया है सुप्पबुद्धं पबुज्जति सदा गौतम सावका।
संग दिवाच रत्तोच निश्चन काया गता सत। क्या कहा है कि वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते हैं, स्मृति के साथ चलते हैं, स्मृति के साथ जागते हैं, जो क्या करते हैं, जिन्हें दिन रात नित्य क्षण प्रति क्षण कायगता स्मृति बनी रहती है। यानी जो श्रावक अपनी काया के प्रति जागरूक रहते हैं, वो जो है बुद्ध के श्रावक, जागते हुए चलते हैं, जागते हुए सोते हैं, इस प्रकार से चलते रहते। तो कैसे कायानुसती कायानुपस्सी होकर के कैसे विहार करते हैं? एक भिक्खु वन में जाता है, घर में कायानुसती नहीं होती, वन में जाता है, वृक्ष के नीचे बैठता है, शून्यागार में जाता है, आसन मारता है, बहुत अच्छी तरह का आसन लगाता है ताकि उसका शरीर सुविधाजनक रूप से सीधा बना रहे, कोई वेदना ना हो, शरीर को सीधा करता है और स्मृति को सामने रखता है अपने, स्मृति को सामने रख करके वो बैठता है, संपूर्ण स्मृति उसके सामने रहती। हमारी स्मृति कहाँ रहती है? हम बैठे यहां होते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, हमारी चेतना पता ही नहीं रहती। फिर क्या करता है वो? जानते हुए सांस छोड़ता है, जानते हुए सांस लेता है, छोड़ते समय देखता है सांस मेरी लंबी है, सांस मेरी छोटी है, सांस मेरी गहरी है, लेते हुए सोचता है, स्मरण रखता है, जागृत रहता है कि सांस मेरी लंबी है, सांस मेरी छोटी है, सांस मेरी गहरी है, और इस प्रकार धीरे धीरे करके वो जो है अपनी जागृति को बढ़ाता हुआ चला जाता है। और धीरे धीरे जब सांस को देखने लगता है, सांस के ऊपर आ जाता है, तब वो अपने काया के साथ उसमें काया को लिप्त करता है, काया के साथ वो सांस के लेते हुए सीखता है। तीसरी पारी में बताया जाता है, आप आनापानसती ध्यान की तीसरी पारी में बताया जाता है, सांस के साथ चलिए और काया के साथ रहिए, कहां तक जा रही है आपकी सांस। तो वो जो है उसको जानते हुए सांस लेना सीखता है, और सांस के साथ जो संस्कार बन रहा है, उसकी क्रिया जो हो रही है, उस सांस के साथ सीखता है। काया के साथ जो संस्कार बन रहा है उसको शांत करते हुए सांस लेना सीखता है। फिर क्या करता है? वो सीखता है सारी काया को जानते हुए, सारी काया को जानते हुए, सारी काया को देखता है, अवलोकन करता है, उसके साथ रहता है और फिर सांस लेना सीखता है, और काया के साथ रहते हुए वो जो है अपनी साथ छोड़ना सीखता है, अपनी काया के संपर्क में रहता है, उसके बाहरी भाग के संपर्क में रहता है, और फिर धीरे धीरे अपनी काया सांस छोड़ना सीखता है, सांस लेना सीखता है उसके साथ रहते हुए, और धीरे धीरे फिर जो है काया के अंदर घुसता है, काया के भीतरी भागों को साथ रहता है, उसके साथ रहते हुए सांस लेना सीखता है और सांस छोड़ना सीखता है। और जो काया के धर्म है उनके साथ भी रहना सीखता है और उसके साथ लेना सीखता है सांस को, और उसी के साथ जो है
सांस को छोड़ना सीखता है और धीरे धीरे करके वो अपनी स्मृति को बढ़ाता हुआ चला जाता है, अपनी जागृति को बढ़ाता हुआ चला जाता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता हुआ चला जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो क्या करता है, अपनी आसक्ति को कम करता हुआ चला जाता है। जो उसकी लिप्तता है इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के विषय के प्रति, उनसे वो धीरे धीरे विरक्त होता चला जाता है, वो उससे अलग होता हुआ चला जाता है और मैं और मेरा करके कुछ भी ग्रहण नहीं करता, मैं और मेरे के रूप में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा वो सोचता है। और इस प्रकार है भिक्षुओं, एक भिक्षु काया में काया पसना करता हुआ बिहरता है, काया में काया को देखता हुआ बिहरता है, फिर क्या करता है, अभी बैठा हुआ था लेकिन जब जो चलता है तो भिक्षु जाते हुए जानता है कि मैं चल रहा हूं, जा रहा हूं। भिक्षु बैठते हुए जानता है कि मैं बैठा हुआ हूं, वो सोते हुए जानता है कि मैं सोया हुआ हूं। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, उसकी उसे स्मृति होती है, वैसे वैसे वो जानता है और उसको जानते हुए अपनी काया के बाहरी भागों में वो संपर्क बनाता है, उसके बाद भीतरी भागों से अपना संपर्क बढ़ाता है और धीरे धीरे करके बाहरी और भीतरी दोनों भागों में स्मृति को जगाता हुआ वो जो है बिहरता है। बाहरी और भीतरी कायानुपस्थी होकर के काया के समुदाय को देखता है कि काया कैसे बनी, फिर और आगे बढ़ता है धीरे धीरे काया में, कैसे बढ़ता है वो जो है भिक्कू जानते हुए गमन और आगमन करता है, जानते हुए आलोकन करता है, निहारता है, काया को सिकोड़ता है, फैलाता है, अपना पात्र वस्त्र धारण करता है, जो कुछ भी उसके नित्य कर्म है उनको जानते हुए करता है, स्मृति में करता है, विस्मृति में नहीं करता। जो काम भी कर रहा है वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, त्याग रहा है, सब काम जो भी कर रहा है वो उसकी स्मृति में होता है, उसका आस्वाद प्रस्वाद सब कुछ उसकी जागृति में होता है, ऐसा जानकर करने वाला होता है। और इस प्रकार वो जो है अपनी काया के अंदर और बाहर दोनों तरफ से कायानुपस्थी होकर बिहरता है, आगे फिर और बिहरता है, वो किस तरह से चलता है, वो अपने ऊपर इस काया में पैर के तलवे से लेकर के और सर के बालों तक एक एक चीज को देखता है। जब हम ध्यान कराते हैं तो कुछ पल के लिए आपसे कहते हैं कि अपने शरीर के पैर के तलवे से लेकर के शरीर का अवलोकन करिए सर के बालों तक, तो वो हमारा बाहरी देखना होता है। लेकिन इस काया में केश, रोम, नख, दांत, त्विक, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, यकोमक, प्लीहा, फुसफुस, ऐसे बहुत सारे भाग हैं, उनको धीरे धीरे करके देखता है। और ये चीजें आपको बाकायदा हमारे धर्मचारी बोधि प्रकाश जी धीरे धीरे आपको जब ध्यान कराते हैं तो आपको ये चीजें बताते हैं और बड़ी अच्छी तरह से उसको कराते हैं। किस तरह से देखता है, जिस प्रकार से बहुत सारे धानों की एक दानों की अनाज की एक पोटली बंधी हुई है, बहुत प्रकार के अनाज है, और उस पोटली को खोल लिया है और वो जो है पोटली का मालिक है, उसमें से गेहूं को छांट रहा है, जौ को छांट रहा है, बाजरा को छांट रहा है, मूंग को छांट रहा है, मसूर को छांट रहा है, इस तरह से वो जो है एक एक अंग को
देखता हुआ चला जाता है, उसे उलट पुलट के देखता है, नाना प्रकार से वो जो है उसमें जो गंदगी है उसको भी देखता है, विभिन्न प्रकार की गंदियों को देखता है, और उन गंदगियों को देखता हुआ काया के बाहरी भाग में और काया के भीतरी भाग में काया अनुपस्थित होके बिहरता है। फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ता है वो, और गहरा चलता है, ये काया किससे बनी, ऐसा वो देखते हुए बिहरता है। क्या करता है वहां पर, क्या वो इसमें क्या क्या है, वो पहले देखता है पृथ्वी धातु है, इसमें मिट्टी है, क्योंकि ये सूख करके जल करके सब कुछ मिट्टी होने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला है। उसके बाद देखता है इसमें पानी है, आप धातु है, उसे देखते हुए बिहरता है। फिर क्या देखता है इसमें, इसमें अग्नि है, ताप है, इसके अंदर गर्मी है, उसको भी देखता है। और फिर इसमें देखता है कि इसमें वायु है, इसमें वायु है, क्योंकि सांस आ रही है जा रही है, प्रत्येक अंग के अंदर वायु है। तो इस प्रकार से वो देखता है, इस काया की स्थिति के अनुसार, रचना के अनुसार वो देखता है कि क्या क्या चीज है। इस प्रकार से एक भिक्खु जो है काया के बाहरी आवरण को देखता है और इसके भीतरी आवरण को भी देखता है, भीतरी अंगों को भी देखता है, और धीरे धीरे करके वो जो है और आगे बढ़ता है। फिर आगे चल के देखता क्या है कि एक दिन का मरा हुआ व्यक्ति देखता है, प्राणी देखता है, 2 दिन का मरा हुआ, 3 दिन का मरा हुआ, 4 दिन का मरा हुआ, फूला हुआ शरीर, पीप पड़ा हुआ, काटा हुआ, इस तरह से विभिन्न प्रकार से वो इस काया को देखता है, विभिन्न स्थिति में इस काया को देखता है, और धीरे धीरे करके वो जो है अपने पे उस चीज को उतारता है कि मेरी भी काया इसी धर्म की है, मेरी भी काया जो दिखाई दे रही है बहुत सुंदर काया है ये, इसमें मुझे बहुत अभिमान है, बहुत घमंड है, इसके ऊपर बहुत मान है। इस काया को उस रूप में उतारता है कि उसका भी हाल यही होने वाला है, अगर इसको ऐसे रोक दिया गया तो इस प्रकार से ये भी होने वाली है, ये भी रुकने वाली नहीं है, ये भी इसमें पस पड़ने वाला है, इसमें कीड़े पड़ने वाले हैं, इसमें हड्डी दिखाई देने वाली है, ये मांस गलने वाला है, कुछ भी नहीं रहने वाला। इस प्रकार से अपनी पूरी हड्डी इसको देखता है, पूरे के पूरे इसको देखता है, और क्या देखता है उसमें कि हड्डी भी रहने वाली नहीं है, उसका भी चूर्ण बन जाएगा, वो भी रहने वाली नहीं। तो भाई किसका मान और किसका अभिमान, किसका मैं और मेरा। इस प्रकार से एक भिक्खु जो है धीरे 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 करके अपनी संपूर्ण काया को अवलोकन करता है, और इस काया के अवलोकन करते करते वो जो है आगे बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे करके अपनी काया से भी आसक्ति को छोड़ देता है, और इस आसक्ति को छोड़ते ही वो जो है आगे के अपने धम्म रास्ते पर बढ़ जाता है, जिसको आगे बुद्धत्व की ओर जाना होता है। तो इस प्रकार से हम जो है काया का अवलोकन करते हैं, काया को देखते हैं, कायानुपस्सी होते हैं, और धीरे धीरे करके हम अपने को आगे लाते हैं। तो मैं आज यहीं पर इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको, तो विषय बहुत गंभीर है, ये इतना भी बहुत गंभीर है हमारे लिए आपके लिए, तो क्या ऐसे इतना समझना आसान नहीं है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सभी का साधुवाद सुनने के लिए, धैर्य से आपने मेरी वाणी को सुना, आप सभी का साधुवाद। जय भीम।